ना सुधरे थे ना सुधरेंगे, कुछ ऐसी ही कहावत लापरवाही भरी तस्वीर देखने को मिली है। एक बार फिर गोंडा जिला महिला अस्पताल से सामने आई, जहां कंधों के सहारे अस्पताल चलता हुआ नजर आया। 108 एम्बुलेंस ने महिला मरीज को जब जिला महिला अस्पताल कैंपस में लाकर छोड़ा, तो मरीज को अस्पताल तक ले जाने के लिए कर्मचारियों ने स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया। इसके बाद तीमारदारों ने बेहाल मरीज को कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाया। और यह तस्वीर है ऐसे समय में सामने आई, जब एक सप्ताह पूर्व डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके जिला महिला अस्पताल में हो रही घोर लापरवाही पर चिकित्सक सहित कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए CMO डॉक्टर रश्मि वर्मा ने भी जिला महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां आशा बंधुओं के द्वारा मरीजों के साथ की जा रही अवैध वसूली सहित अन्य खामियों का मामला सामने आया, जिस पर CMO ने 14 आशा बहुओं की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। इन सब कार्यवाही के बावजूद जिला महिला अस्पताल की लापरवाही की जाती है।